subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल टेक में गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको बताने वाले हैं कि आप जो अपने फ़ोन में इंटरनेट और कॉल यूज़ करते हैं, मतलब वो कैसे होता है, कैसे इंटरनेट चलता है। आप सोचते होंगे कि बस डेटा ऑन कर दिया आपका इंटरनेट चलने लगा। कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि आपकी नेट काफ़ी स्लो हो जाती है और कभी कभी काफ़ी फास्ट भी हो जाता है। तो आज आपको सारा प्रोसेस बताएंगे कैसे मतलब फास्ट होता है और किस कारण आपका नेट स्लो हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं जो कि जियो कंपनी का ये ODC मशीन है, इसी के जरिए आपका पूरा मतलब नेटवर्क काम करता है, इसी के अंदर सारा सर्किट वगैरह बैठा हुआ है। आइए बात करते हैं इस सर्किट के बारे में, इसका क्या क्या प्रोसेस है। तो इसको पहले हम ओपन करते हैं, ये लॉक है, अभी हम इसको ओपन करते हैं। ये अब देख रहे हैं एक डोर मेरा ओपन हो चुका है। आप तो देख के मतलब हैरान ही रह जाएंगे कि इतने सारे फंक्शन भी होते हैं, मतलब इसका क्या क्या यूज है, मतलब कैसे ये रन करता है। तो ये पहले हम इसको भी डोर को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये ODC मशीन है, ये पूरा मतलब आप जो डोर देख रहे हैं अंदर में जो ये है, ये आपका पूरा सर्किट को ODC मशीन बोलते हैं। इसके काफ़ी अलग अलग पार्ट्स वगैरह हैं, काफ़ी अलग अलग सारे के फंक्शन और फीचर्स वगैरह हैं। तो आपको सारे फंक्शन बताएंगे कि इसका क्या यूज है और क्या क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आपका नेटवर्क चलता है और किस कारण आपका नेटवर्क स्लो हो जाता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसके पावर सप्लाई की, कहाँ से इसका पावर सप्लाई करेंगे। पावर सप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4-pole MCB है जो कि 440 वोल्ट है। ये अभी ऑन है, जैसे इसको ऑफ करेंगे यहाँ पे एक रेक्टिफायर आपको मॉड्यूल लगा हुआ है जो कि बैटरी चार्ज करने के लिए दिया हुआ है। तो बैटरी बता दें आपको, तो यहाँ पे आप नीचे में देख रहे हैं 1, 2, 3 जो कि सिस्को कंपनी की ये बैटरी है, सॉरी कोस लाइट कंपनी की ये बैटरी है। तो 1, 2, 3 बैटरी लगी हुई है आपकी। बता दें इसको चार्ज करने के लिए तो यहाँ पे 5 रेक्टिफायर मॉड्यूल लगे होते हैं जो कि इसको बैटरी को चार्ज करेंगे। तभी तो यहाँ पे खैर 3 नहीं है 2 ही है, अगर 3-5 रहता तो आपको बैटरी काफ़ी जल्दी क्विक चार्ज भी हो जाता। अभी 2 रेक्टिफायर लगा हुआ है जिसके चलते ये बैटरी थोड़ा लेट चार्ज होगा, बाकी चार्ज तो हो ही जाएगा। तो बात करते हैं इस रेक्टिफायर के किसका क्या वर्क है। तो जैसे ये AC से कन्वर्ट करता है DC में, आपको 12 वोल्ट सप्लाई करता है, इसमें AC इनपुट जाता है और यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट होकर आपको बैटरी को चार्ज करता है। चार्ज करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस पॉइंट ये है और निगेटिव पॉइंट ये है, जो कि तीनों बैटरी में सेम वही प्रोसेस है। और बात करें इस बैटरी की, इस बैटरी के क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ सारे, यहाँ पे आप ऐसे बैटरी शायद कभी आप देखे भी ना हो, तो आपको दिखा दें यहाँ पे कुछ सॉकेट और जैक वगैरह भी दिए हुए हैं। यहाँ पे ये LAN का है और SD कार्ड के लिए यहाँ पे देख रहे हैं जो कि आप देख भी रहा होगा, तो आपको थोड़ा हम वीडियो पास ले जाकर दिखाते हैं जो कि यहाँ पे SD कार्ड के लिए भी आप देख रहे हैं, SD कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हैं। आप कभी ये सोचे भी ना होंगे कि किसी मतलब 12 वोल्ट या फिर 48 वोल्ट के बैटरी में आप कभी मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर वगैरह दिया है जो कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, ये मतलब आपको नोटिस करेगा कि अभी चार्ज मोड में है कि डिस्चार्ज मोड में है। अभी ये ऑन मोड में है। बात करें इस बैटरी को कैसे ऑफ करेंगे, तो ऑफ करने के लिए आपको छोटा सा पिन लेना होगा, जैसे कि अभी फ़ोन में आता है इंजेक्टर पिन होता है, उसको मतलब सिम निकालते हैं तब सिम को इंसर्ट करते हैं, वैसे एक आपको छोटा सा पिन लेना होगा। और ये जो पॉइंट होल देख रहे हैं इसमें बस प्रेस करना है आपको, जैसे प्रेस करेंगे ये, तो अभी बैटरी आपको दिखा दें यहाँ पर लाइट जल रही है, ये देख रहे हैं अभी एक ग्रीन बत्ती जल रही है यहाँ पे, यानी आपकी ये सारी बैटरी ऑन है। ये ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे एक पिन है जो कि इसको पिन से जैसे ही अंदर पुट करेंगे ये आपका ऑफ हो जाएगा। वैसे ही तीनों बैटरी का सेम प्रोसेस है, सेम इसका यही फीचर्स और फंक्शन है। और बात करते हैं कि आपको जो ये नेटवर्क है और ये कॉलिंग वगैरह ये कहाँ से किसके थ्रू आते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये जो जियो कंपनी का ये टावर है जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारा वायर भी आया है, कोई रेड वायर है कोई ग्रीन वायर है, तो सारे एंटीना बैंड के वायर आए हुए हैं और ऊपर में कुछ UBR भी लगे हुए हैं। तो ये ऊपर से एंटीना और बैंड का काम है बस आपको नेटवर्क पहुंचा देना, उसके थ्रू आपका कोई भी नेटवर्क मतलब स्पीड वगैरह कोई भी क्रिएट नहीं करता है। आप वो एंटीना बैंड का काम है बस आपको नेटवर्क देता है, आपके फ़ोन में नेटवर्क जाता है तब आपका जो कॉलिंग है या फिर नेट आप यूज़ करते हैं उसके ज़रिए यूज़ करते हैं। कभी कभी नेटवर्क स्लो होता है तो आप सोचते हैं कि किसी टावर के पास जाते तो वो फास्ट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर टावर के पास ही अगर मान लीजिए आपका नेटवर्क स्लो है तो आप टावर के पास भी जाएंगे तो आपका नेट फास्ट नहीं होगा। तो टावर मतलब नेटवर्क स्लो होने का मेन कारण ये है कि यूज़र के ऊपर है, अगर यूज़र ज़्यादा है एक टावर पर तो आपका नेट तो ऐसे ही स्लो होगा, अगर यूज़र कम है, अगर किसी बैंड पर कम है किसी बैंड पर ज़्यादा है तो उस एरिया में जाएंगे तो आपका नेट स्लो हो जाएगा और नेट फास्ट हो जाएगा। तो वो जो वायर आया है आप देख रहे हैं यहाँ से इलेक्ट हुआ है, अब देख रहे हैं ऊपर का जो सारे जितने वायर हैं यहाँ से इलेक्ट होके यहाँ पे आप सारे वायर को देख रहे हैं, ये सारे वायर आपके जाके इस MCB में है जो कि सारे एंटीना के MCB है, कोई UBR का है किसी बैंड का है, 1700 बैंड है 2400 बैंड है, तो सारे बैंड का ये यहाँ पे MCB है। और इधर भी देख रहे हैं ये भी सारे बैंड के ही MCB लगे हुए हैं।
अभी तो खैर यहाँ पे बहुत सारे साउंड भी है, जो कि यहाँ पे फैन वगैरह चल रहा है तो थोड़ा साउंड में मतलब प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये जितने भी सारे देख रहे हैं MCB अभी ऑन है, और ये देख रहे हैं यहाँ पे जो कि सिस्को कंपनी का ये राउटर है, इसी के चलते आपका जो ऊपर है नेटवर्क जाता है और कभी स्लो होता है, मतलब कभी हो सकता है आपका साइट डाउन हो जाए तो आपका नेटवर्क स्लो हो जाए, आप अच्छे नेट का स्पीड नहीं मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका सिस्को कंपनी का राउटर है, और ये जो सिस्को देख रहे हैं अभी ये 4G है, जो कि अभी आप 4G यूज़ करते हैं, 4G 3G 2G 1G मतलब तीनों में यूज होता है। अभी कुछ मतलब अभी जियो कंपनी आपको 5G लॉन्च करने वाली है, तो अभी थोड़ा टाइम है, तो 4G का भी ये जो ये सिस्को कंपनी का जो देख रहे हैं इसको, यहाँ पे ओरियन डिस्प्ले लगा हुआ है, इसमें अगर कोई भी फॉल्ट होता है या फिर कोई भी सिस्टम इसमें वर्क नहीं करता है तो आपको ये ओरियन कंपनी का जो डिस्प्ले है, ये जो टच है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। और इसमें आपका बैटरी का स्टेटस भी दिखाएगा कि आपकी बैटरी कितने अभी एम्पियर बची हुई है, कितने वोल्ट बची हुई है, कितने अभी वोल्ट चार्ज करने हैं, तो सारे इसमें फंक्शन आपको दिखाएंगे इसमें। ये जो आपको वायर आया है देख रहे हैं, ये वायर आपका जाके सिस्को में 4G में लग गया है, इसका सारा डिटेल आपको उस ओरियन डिस्प्ले में आपका सारा शो कर देगा। और बात करें कि इसमें नेटवर्क मतलब कहाँ से आते हैं, किसके थ्रू आते हैं, तो ये जो वायर देख रहे हैं आप पीछे में, आप अगर जानते भी होंगे ऑप्टिकल वायर के बारे में, तो ये ऑप्टिकल वायर है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी आता है। तो ये वायर जाके आपको इसमें इनपुट देगा, इसमें से इनपुट देखो आउटपुट जाएगा आपके एंटीना ऊपर टावर में बैंड में जाएगा, वहाँ से आपको नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, आप जिस एरिया में जैसा नेटवर्क रहेगा आप वैसा स्पीड आप यूज़ करेंगे वहाँ पे। इस ऑप्टिकल वायर का बात करें तो ये जो सारे ऑप्टिकल, ये जो सारे एशिया महाद्वीप सारे मतलब जितने भी मतलब कॉन्टिनेंट है सारे ऑप्टिकल वायर से जुड़े हैं, एक देश दूसरे देश से ऑप्टिकल वायर के जरिए ही जुड़े रहते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन यही वायर के थ्रू आपको मिलते रहते हैं। ये वायर आप देख रहे हैं जो कि जमीन के नीचे नीचे सारे समुद्र के अंदर अंदर ये बिछे हुए हैं, सारे एक देश से दूसरे देश में जाके ये इंटरलिंक है। और इस ऑप्टिकल वायर को लगाने के लिए एक सावधानी आपको बरतनी होती है कि मान लीजिए ऑप्टिकल वायर लगा रहे हैं तो इसके अंदर आप बता दें केवल शीशा ही है, कोई भी आपका कॉपर वायर और कोई भी एल्युमिनियम वायर इसमें नहीं है, केवल शीशा है। ऑप्टिकल वायर के अंदर केवल शीशा ही है, मतलब 48 कोर का वायर होता है, कोई 24 कोई 48 कोर का वायर होता है, ये 48 कोर का वायर है। अगर मान लीजिए इसे आपका कोई भी हाथ वगैरह अगर कट जाता है तो आपको मतलब काफ़ी कठिनाई भी होगी, आपको कैंसर हो जाएगा जिसका इलाज काफ़ी मतलब कठिन भी होता है। और ये पैनल जो आप देख रहे हैं ये अलार्म के लिए है, इसमें जितने सारे मतलब सर्किट वगैरह जितने मशीन वगैरह लगे हैं, अगर किसी मशीन में कोई भी फॉल्ट होता है तो यहाँ पे जितने आप वायर देख रहे हैं इस वायर के थ्रू आप वहाँ पे मतलब इसका जो हेडक्वार्टर जहाँ पे है, मतलब इसका तो अभी पटना में है सेंटर, तो आप वहाँ मतलब यहाँ पे कुछ भी फॉल्ट होगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब मैसेज अलार्म चला जाएगा कि मतलब इस जगह पे इस ओडीसी मशीन में ये प्रॉब्लम है, तो आएगा आदमी आपको यहाँ पे रिपेयर करेगा और देखेगा कहाँ पे क्या फॉल्ट है। अगर बाई चांस आपका इतने सारे सर्किट हैं मतलब कोई भी यहाँ पे ऐसा हो ना कि मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसके चलते आपका ये जल जाए, तो इसको मतलब जलने के पहले ही आपको यहाँ पे एक अलार्म भी लगा हुआ है जो कि देख रहे हैं, यहाँ पे एक फायर अलार्म है, ये आपको इस डोर में और उस डोर में भी आपको लगा हुआ है वहाँ पे वाइट कलर का, क्योंकि दिखा दें ये फायर अलार्म है। अगर मान लीजिए कहीं भी आपका शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं भी धुआं हल्का भी उठता है, ये जैसे ही स्मोक के टच में आएगा ये तुरंत साउंड हो जाएगा, या मतलब यहाँ पे तो नहीं होगा, पटना में ये जो सेंटर है वहाँ पे अलार्म चला जाएगा कि इस जगह पे इस ओडीसी मशीन में इस ये फॉल्ट है, तो तुरंत आदमी आएगा चेक करेगा। अगर बता दें आपको यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट हो या फिर डस्ट वगैरह होता है तो इसको क्लीन करने के लिए हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, और इसको ये जो देख रहे हैं नेट लगी हुई है इसको ब्लोअर से साफ करके मतलब क्लीन करके फिर इसको फिट कर देते हैं। आइए इसको हम फिट कर देते हैं पहले। ये फिट हो चुका है, और ये जो देख रहे हैं ये डोर के लिए है, यहाँ पे एक लाइट भी लगी हुई है 12 वोल्ट की LED, और इस डोर में भी आपको LED लगी हुई है। ये डोर आप जैसे ही ओपन करिएगा ये LED 12 वोल्ट की जो है बल्ब है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, और जैसे ही बंद करिएगा ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे एक डिस्प्ले देख रहे हैं जो कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के लिए दिया हुआ है, जो कि अभी 41 डिग्री सेल्सियस इस ओडीसी मशीन का है। इस डोर का अलग टेम्परेचर मशीन आपको बताएगा और उस डोर के लिए अलग है। उस डोर का आप देख रहे हैं 39 दिखा रहा है। यहाँ पे एक लीड लगी हुई है जो कि टेम्परेचर के लिए है, जैसे जैसे हीट होगा जैसे जैसे कूल होगा वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा। आप शुरू से लेकर अभी तक देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉइज़ भी आ रहा है, मतलब साउंड कहाँ से आ रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फैन लगी हुई है जो कि अंदर की एयर यहाँ पे वेंटिलेशन से आपको बाहर की हवा खींच के, ये तो अभी खैर डोर ओपन है तो जैसे ये बंद करेंगे तो यहाँ ये फैन ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको खींच के हवा यहाँ से ऊपर से आपको फेंकेगी, जो कि यहाँ पे ये आउटलेट इसका है, यहाँ से आपका हवा बाहर आएगा। और आप सोचते हैं कि ये बैटरी है तो इसकी बैटरी की कितनी मतलब प्राइस है, इसका क्या कैपेसिटी होगा, कितना बैकअप होगा, तो बैकअप की बात करें तो मतलब
3 ampere की बैटरी आप देख रहे हैं, जो कि 12-12 यानी 48 वोल्ट के लगभग ये आपका बैटरी हो गया। तो जैसे ही मतलब ये लाइट कटेगा, लाइट कटते ही ये ऑटोमेटिक आपका बैटरी पे हो जाएगा। तो 2 से 3 घंटे ये चलेगा बैटरी पे, फिर जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होगा, आप यहाँ पे बगल में देख रहे हैं, यहाँ पे जो कि डीजी है, साइलेंट डीजल जनरेटर है, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब सिस्टम वगैरह सेटिंग वगैरह लगे हुए हैं। जैसे ही आपका बैटरी डिस्चार्ज होता है वैसे ही आपका ये जनरेटर डिस्चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही ये फुल चार्ज होता है आपका जनरेटर वैसे ही ऑफ भी हो जाएगा। अगर बाई चांस आपका ये चल रहा है, अगर लाइट बीच में आता है तो ऑटोमेटिक ऑफ होके आपका लाइट से बैटरी चार्ज होने लगेगा। इसकी बैटरी के बैकअप है आपको 2 से 3 घंटे, एक मतलब कोई भी टावर को आसानी से चला देगा। और ये आपको 4 फुल MCU पहले ही बताई दिया। और ये रेक्टिफायर देख रहे हैं जो कि अभी ये फैन रन कर रहा है, ये जैसे मतलब यहाँ से आप सप्लाई कट करेंगे तो ये देखिएगा रेक्टिफायर ऑफ हो जाएगा और बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगा। तो आइए आपको हम कट करके दिखाते हैं। ये देख रहे हैं कट हो गया, जो कि रेक्टिफायर में रेड बत्ती जल चुके हैं, ये थोड़ी देर में फ़ैन ऑफ हो जाएगा। ये देख रहे हैं फ़ैन अभी रुक चुका है। इस फैन का मतलब ये सब MCU यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि रेक्टिफायर 1, 2, 3, 4 और ये 5 के लिए मतलब दिया हुआ है। तो ये तो अभी खैर इसमें रेक्टिफायर है नहीं, तो ये MCU अभी ऐसे ही ऑफ है। तो इसको जैसे ही ऑन करेंगे ये आपका रेक्टिफायर ऑन होकर आपका बैटरी चार्ज करने लगेगा। तो आइए इसको ऑन करते हैं, ये थोड़ी देर में देखिएगा रेक्टिफायर ऑटोमेटिक चालू। ये देख रहे हैं रेक्टिफायर चालू हो गया, आपका बैटरी चार्ज होने लगा। एक बैटरी को चार्ज होने में लगभग आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं, तीनों बैटरी को चार्ज होने में। और ये जो आप ग्रीन कलर की वायर देख रहे हैं ये ग्राउंडिंग के लिए है। हर सिस्टम की जैसे कहीं भी आपका थोड़ा बहुत करंट आता है तो आपको ग्राउंडिंग के लिए यहाँ पे ये जो पैनल देख रहे हैं ये मतलब जैसे इसमें कोई भी करंट आ रहा है यहाँ पे ग्राउंडिंग के लिए आप देख रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट है जो कि इसमें जाके आपके नीचे में ग्राउंड में अर्थिंग दिया है वहाँ से ये पास कर जाएगा, ताकि इसमें कोई अंदर में शॉर्ट सर्किट ना हो। इसी तरह हर मतलब ऐसे जितने सारे सर्किट वगैरह लगे हैं इसका भी ग्राउंडिंग दिया हुआ है, जो कि सिस्को कंपनी का राउटर आपको बताया पहले, इसका भी ग्राउंडिंग दिया हुआ है। सारे ऐसे चीज़ हैं जिसका सारे मतलब यहाँ पे भी देख रहे हैं ग्राउंडिंग दिया हुआ है। इस ग्राउंडिंग का आपको मेन मतलब बता देंगे, जैसे आप कभी देखते होंगे कि आपके कूलर में कभी कभी हल्का हल्का करंट आता है, अगर ग्राउंडिंग आप दे देंगे तो आपके जो करंट आते हैं वो पास कर जाएंगे, जिसके आपको करंट लगने की कम चांस रहती है और आपका कोई भी सामान शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और ये अभी तो आप खैर फैन देख नहीं रहे हैं, फैन ऊपर में मतलब लगा हुआ है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होगा, जैसे लगभग जाड़े के दिन में यह फ़ैन थोड़ी देर रुकेगा फिर आप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अभी तो गर्मी का दिन है, मतलब ये 2400 घंटा फ़ैन चलता रहेगा सारा इसमें का, जितने भी इसको अंदर गर्म होने नहीं देगा। इस फैन का यही कारण कि अंदर का जो भी मतलब पॉल्यूशन वगैरह है ये ऊपर बाहर निकाल देगा, ताकि इसमें कोई भी गर्म के चलते शॉर्ट सर्किट ना हो। तो जैसे जैसे अभी तो टेम्परेचर देख रहे हैं 40 डिग्री है, जैसे ये 10 डिग्री या फिर 12-15 डिग्री पे आएगा तो फैन थोड़ी देर के लिए ऑफ होगा, फिर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है कि आपका फ़ैन कब चालू रहेगा कब ऑफ रहेगा। और ये जो एस्टर्ना का ये जो सिक्योरिटी है, जो कि डोर लॉक है, आप इसको आपको बाहर से दिखा दे रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं एस्टर्ना कंपनी के ये जो सिक्योरिटी डोर लॉक है ये कार्ड से ओपन होता है और कार्ड से लॉक होगा। आपको दिखा दें यहाँ पे, जैसे ही कार्ड लगाएंगे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जैसे ही कार्ड हटाएंगे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जैसे कार्ड लगाते ऑन हो जाएगा, सॉरी कार्ड लगाते ऑन हो जाएगा, और जैसे फिर कार्ड लगाएंगे ये और लॉक हो जाएगा। ये आप अगर आप कार्ड नहीं लगा रहे हैं, आप चाहें कि यहाँ पे चाबी से मतलब कोई भी मान लीजिए आता है या फिर उसके पास कार्ड नहीं है, वो सोचेगा कि हम चाबी लगा के या फिर कोई भी चोरी करने का, भी अधिकतर होता है कि कहीं कहीं मतलब ग्राउंड वो GBT के टावर में लगता है तो कितने सारे पार्ट्स चोरी हो जाते हैं, तो उसके मतलब चोरी होने के चलते आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी दिया हुआ है, जो कि कोई भी यहाँ पे की से खोलेगा तो आपको तुरंत अलार्म चला जाएगा, अगर कार्ड से खोलेगा तो अलार्म नहीं जाएगा। तो लगभग आपको सारा मतलब प्रोसेस बता ही दिया कि इसमें ODC में क्या क्या होता है, आपका नेट कैसे जाता है आपके थ्रू, और कम नेट स्लो होता है कम नेट फास्ट होता है, और तो इसमें कुछ खैर बताने लायक है नहीं कि आपको बताऊँ। और बता दें आपको यहाँ पे एक सॉकेट भी लगा हुआ है, मतलब 5-pin सॉकेट भी है, जैसे कोई आता है कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो लैपटॉप ऑन करके यहाँ पे इनपुट देता है, अपने पावर सप्लाई करता है लैपटॉप में, और वहाँ से आपको कोई भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो आसानी से इंस्टॉल करता है, या फिर कोई भी काम के लिए मतलब जैसे उसको चाहिए कि ये थोड़ा डस्ट हो गया है तो ब्लोअर ला के अपना साफ करेगा, यहाँ पे लगा के आसानी से इसको आसानी से मतलब साफ़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ कहीं और से कनेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हमेशा 24x7 हमेशा इसमें पावर सप्लाई रहती है। और आपको एक बात बता दें, यहाँ पे साइड में एक ये देख रहे हैं जो कि
जीपीएस लगा हुआ है। जैसे इस जीपीएस का ये वर्क है कि मतलब हर टावर का एक कोड होता है, जैसे कोई भी दिल्ली हो, मुंबई हो, बॉम्बे हो, कहाँ कहाँ मतलब कौन सा जियो कंपनी का हो, एयरटेल का हो, तो हर टावर का एक कोड होता है अपना। तो यहाँ का कोड से मतलब तो आपको शेयर नहीं करेंगे कि यहाँ का कोड क्या है। तो इसका ये मतलब है जैसे कोई भी आता है, कहीं से आता है कोई भी रिपेयर करने या फिर कोई फॉल्ट है, तो मैकेनिक आएगा तो मतलब अपने फ़ोन में देखेगा अपना ये यहाँ का कोड डाल के, ये जीपीएस का कोड डालेगा तो ये यहाँ का लोकेशन ऑन हो जाएगा और वहाँ से आके ये पता लगा लेगा कि मतलब ये टावर किस जगह पे है। जैसे आप मैप में यूज़ करते हैं, कोई भी प्लेस वगैरह सर्च करते हैं, तो यही जीपीएस के ही कारण आप किसी दूसरे प्लेस को देख सकते हैं। मतलब ये जो ट्रैक वगैरह शो करता है तो यही जीपीएस के ही चलते आपको दिखाता है। तो ये जीपीएस लगा हुआ है प्रॉपर इस टावर के लिए है, क्योंकि आपका टावर का लोकेशन दिखाएगा जिस जगह पे है उस एरिया का आपको लोकेशन दिखाएगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने से आएगा टेक्नीशियन हो या फिर कोई भी हो, बाहर का कोई मैकेनिक हो या फिर स्टाफ वगैरह हो, तो इसी कोड डालते हुए यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। और ये जो पाइप देख रहे हैं नीचे में आपको दिखा रहे हैं, ये जो पाइप है इसी के थ्रू आपका ऑप्टिकल वायर आया हुआ है जो कि ओडीसी में गया है। आपको दिखा दें, ये देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड से आपका ओडीसी में इनपुट हुआ है। ये बहुत सेफ्टी के साथ लगाया जाता है, अगर कहीं भी बैंड भी होता है तो आपका ये ऑप्टिकल वायर पूरा ख़राब हो जाएगा, जो कि जोड़ने में काफ़ी कठिनाई भी होती है। इसको मतलब ऐड करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी भी बरतनी होती है कि ये बैंड ना हो कहीं, या फिर उससे आपका कहीं हाथ वगैरह या फिर कहीं कुछ कटे उटे ना, इसे लगाने के लिए बहुत सेफ्टी से इसको लगाया जाता है। तो उम्मीद करते फ्रेंड आपको पता चल गया होगा कि आपका नेट किस कारण स्लो होता है और किस कारण फास्ट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।